हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। आज हम गाइस इस वीडियो में जो है बहुत ही बड़ा अपडेट लेकर आए हुए हैं, जो कि हरियाणा वालों के लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी भी होने वाला है। ये इसमें हम बता दें गाइस, एक नया एक्सप्रेस वे बनने वाली है जो कि पानीपत से लेकर गोरखपुर तक बनने वाला है। इसकी लंबाई जो है 750 किलोमीटर का होने वाला है, जो कि सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बनने वाला है। ठीक है, तो सारा कुछ डिटेल में बताया जाएगा। ये जो है गाइज अपडेट नेट के थ्रू आया हुआ है, सारा कुछ डिटेल में बताया जाएगा। इसमें जो है क्या कुछ लिखा हुआ है, कब स्टार्ट होगा, कब पीआर वगैरह बनेगा, सारा कुछ डिटेल में बताया जाएगा। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम हेडलाइन को पढ़ते हैं, उसका बारीकी से आप लोग बताएंगे क्या कुछ लिखा हुआ है इस अपडेट में। ठीक है, तो यहाँ पर हेडलाइन में लिखा हुआ है, हरियाणा वासियों के लिए खुशखबरी, पानीपत से गोरखपुर तक बनेगा 750 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे। तो गाइज इसी पर जो है पूरा वीडियो है, सारा कुछ बताया जाएगा, आप लोगों को जानकारी दिया जाएगा क्या कुछ लिखा हुआ है इस अपडेट में। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए आगे का पढ़ते हैं क्या कुछ लिखा हुआ है इस अपडेट में। तो गाइज इस अपडेट में लिखा हुआ है, पानीपत वासियों के लिए अच्छी खबर है, गोरखपुर से हरियाणा के पानीपत जिले तक एक नया एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से हरियाणा से यूपी के कई प्रमुख जिलों की राह आसान हो जाएगी। हाँ, तो गाइस इस अपडेट में आगे बताया गया है, 750 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे, इस पर लिखा हुआ है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI यूपी के गोरखपुर से हरियाणा के पानीपत तक एक्सप्रेसवे के निर्माण की संभावना तलाशने में जुड़ गया है। करीब 750 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे गोरखपुर से वाया शामली होते हुए पानीपत तक जाएगा। आगे इसमें लिखा हुआ है, इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से यूपी, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के बीच सड़क कनेक्टिविटी बेहतर होगी। यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 22 जिलों से होकर पानीपत तक जाएगा। यह यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा, वर्तमान में सबसे लंबा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है। NHAI के अधिकारी अब इस रूट का सर्वे करने में लगे हुए हैं। इस अपडेट में आगे लिखा हुआ है, ये होगा संभावित रूट। इस पर लिखा हुआ है, पहले शामली एक्सप्रेसवे बनने पर इसके कैंपियरगंज और पीपीगंज के पास से शुरू करने की योजना बनाई गई थी। अब इसे गोरखपुर शहर के दक्षिण दिशा में बनाने की तैयारी है, ताकि इसे सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे से भी जोड़ा जा सके। आगे इसमें लिखा हुआ है, यह एक्सप्रेसवे गोरखपुर, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर, बहराइच और लखनऊ को आपस में बेहतर कनेक्टिविटी देगा। ये एक्सप्रेसवे सीतापुर, शाहजहाँपुर, हरदोई, बदायूं, रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, संभल, बिजनौर, अमरोहा, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली होते हुए पानीपत तक जाएगा। हाँ, तो गाइस इस अपडेट में बस इतना ही था। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आएगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी इसके बारे में पूरी जानकारी मिल सके। ठीक है, और जैसे ही इसके बारे में कुछ भी नया अपडेट आता है तो आप लोग जरूर बताएंगे, क्योंकि ये एक्सप्रेसवे गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ही लंबा ये एक्सप्रेसवे बनने वाला है, नया एक्सप्रेसवे बनने वाला है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो जैसे ही कुछ नया अपडेट आता है तो आप लोग जरूर बताएंगे, तो आप लोग ढेर सारा इसको शेयर करें ताकि सभी को पता चल सके। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जोहार झारखंड, जय झारखंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।